राजस्थान के करौली जिले में 6 मई को सामूहिक विवाह सम्मेलनों का आयोजन हुआ। इन सामूहिक विवाह सम्मेलनों से दहेज प्रथा, बाल विवाह व सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगती है एवं गरीब व मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। सामूहिक विवाह सम्मेलनों में एक साथ 120 वर वधु की शादी करना एक आश्चर्य की बात है। वो बाप भी नहीं है, माँ दूसरी जगह बैठ चुकी है, तो उनके पास पैसा भी नहीं है खर्च करने के लिए, तो वो इसलिए सम्मेलन में दहेज बचाने के लिए ये शादी की है। मैं यदि आप ये शादी करते कितना पैसे का इन्वेस्ट होता है? यदि कम से कम खर्चा करते हैं तो 2 लाख रुपए करीब खर्चा आ जाता है और यहाँ पे नॉर्मल खर्चा 11,000 रुपये जमा कराने पड़ते और कोई खर्चा नहीं है इसके बाद। इसमें सब क्या है कि 5 तो बर्तन दिए जा रहे हैं, एक बक्सा है और एक पेड़ है। ये क्या पशु पक्ष तरफ से दिए जा रहे हैं, समाज की तरफ से दिए जा रहे हैं? समाज की तरफ से दिए जा रहे हैं। समाज को जागृत करने के लिए, एकता के सूत्र में बांधने के लिए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इससे गरीब तबके के लोगों को काफ़ी राहत महसूस हुई है। जिन माँ बापों को अपने बच्चों की शादी के लिए चिंताएं सताती थी, पर्याप्त आमदनी के अभाव में वो अल्प आयु में ही अपनी बच्चियों की शादी करके उससे निवृत्त होना चाहते थे, उनके लिए पर्याप्त पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं कर पाते थे। आज इस सम्मेलन के माध्यम से अब ये चिंता दूर होने लगी है कि जो पैसा उन्होंने शादी के लिए खर्च करने की योजना बनाई है उस पैसे को वो पढ़ाई के रूप में उपयोग कर सकते हैं। छोटी उम्र में जो बच्चों की शादी हो जाती थी तो उनका शारीरिक विकास हो जाता था और आने वाली जो पीढ़ी है वो कमजोर और शारीरिक दृष्टि से अपरिपक्व होती थी। इसी उद्देश्य को लेकर के नहीं, एक समाज में सामंजस्य बनाने के लिए उद्देश्य से हमने ये आयोजन। सामूहिक विवाह सम्मेलनों का आयोजन सभी वर्ग में होने लग जाए तो पैसे की बचत एवं दहेज पर अंकुश सबसे ज्यादा लगेगा। आज मेरे भी 2 बच्चियां हैं, मैं भी चाहूंगी कि मेरी बच्चियों की शादी सम्मेलनों में करूं। सुनीता कसेरा, इंडिया 100 के लिए।